Hey guys, what's up and welcome back to another vlog. So, आज एक और प्रोडक्ट आया है, आज आया है फास्ट एंड अप से प्रोडक्ट आया है मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। साथ में ये भी है, एक और प्रोडक्ट आया हमारे पास। ओए मैंगो। सो ये बॉक्स आया हमारे पास, देखते हैं इसके क्या क्या भेजा है उन्होंने। डब्बा खुल सा गया थोड़ा सा। सो ये आया है फास्ट एंड वी प्रोटीन है, ये 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन है इसमें। ये ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मैंगो क्या है ये? मैंगो क्या है? चाची स्ट्रॉन्ग है? है और ये गत्ता है साथ में। और ये आया है रीलोड। ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो एथलीट्स वगैरह ट्रेन करते हैं, जिनको काफी पसीना आता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कमी काफी रहती है, तो उसको वापिस भरने के लिए ये काफी यूजफुल होता है। ये ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि आजकल रनिंग भी करता हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ये प्लांट प्रोटीन का एक सैशे दिया है ना ट्राई करने के लिए। मैंगो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपके इसके ऊपर तीनों प्रोडक्ट्स को मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, जो कि मेरे चैनल पे आएगी, पे प्रोटीन पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे एंड प्लांट प्रोटीन पे, तो उसको जरूर चेकआउट करना। मैंगो ये भी मुंबई से गेस्ट आ गए हमारे ऑफिस। I'm back। जो नहीं जानते है, मेरा बड़ा भाई है। सब जानते होंगे क्योंकि सब जो देख रहे हैं वो हमको जानते होंगे, तभी देख रहे हैं। जिन्होंने दुद्दू पसंद कर रहे व्लॉग्स देखे और जानते होंगे इसको, जिन्होंने नहीं देखे वो भी जानते हैं। वो देख लेना, उसका चैनल देखना, ठीक है। इसका चैनल फ्रेमिंग शॉट्स, शॉर्ट फिल्म देखो, ठीक है। आप ब्लॉगिंग चैनल छोड़ के आप फ्रेमिंग थॉट्स पे जा सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। और आप लोगों के लिए सरप्राइज आ रहा है, नया चैनल आ रहा है, ठीक है। तो वो सबके लिए नहीं है वैसे, कुछ खास लोगों के लिए, जो मतलब बताएंगे बाद में आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पीछे इसको देखो, पीछे देखो, ये उसी खुशी में नाच रहा है, इसी खुशी में नाच रहे हैं कि ब्लॉग आ रहे हैं नए और नए चैनल आ रहे हैं। ये आरएम मुझे गिफ्ट कर रहा है, घंटा मुंबई से आप आ रहे हो, आपको बॉडी फैट की जरूरत है। मैं बहुत कमजोर हूं, क्या देखो कितना कमजोर हूं, क्या हूं मैं, तो उसको प्रोटीन की जरूरत है मुझे। चलो अब आपको मिलते थोड़ी देर तक। आइए, गेस्ट भी आए हुए हैं हमारे घर। क्या हो गया? नींद आ रही है। उदास क्यों उतरे? दोस्त है आपका फिर मुंबई से, है खुश हो? मैं तो नहीं हूँ। अब काम कराएगा मेरे से। मैंने कहा दोस्त आए मुंबई से, खुश हो? कहते हाँ। मैंने कहा दोस्त आया मुंबई से, आप खुश हो? कहते हाँ। मैं कहा मैं तो नहीं हूँ। काम मेरे से करवाएगा सारे। एक मिनट, इधर कैमरा में तुम मेरे से खुश है? आप देख सकते मेरी बाजू कितनी पतली हो गई है। तीनों नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ जिम, ये जा रहे हैं बकचोदी करने। चलो बाय, आते हैं बाद में। इधर क्यों आ रहे हो? चलो जिम, आज मैं 3-4 दिन बाद जिम जा रहा हूँ। सो ऑल सेट, वी आर लिविंग फॉर द जिम आफ्टर 4 डेज। फ्राइडे सैटरडे को मैं जिम नहीं गया था, ना ही मैं कल गया, ना ही संडे को जिम गया था मैं। तो अब जिम जा रही है, देखो ये पीछे हेलमेट पहन रहा है, पीछे हेलमेट पहन रहा है इंसान, देख रहे हैं हेलमेट ठीक लग रही है, लग रही मेरे को। ये भी आए मुंबई से, मुंबई के लोग क्या पता रूल्स के बारे में यहाँ के। चलो चलते जिम, देखते हैं क्या करते हैं। सोच रहा हूँ कि शोल्डर बैक क्या मारेंगे, जो मूड करेगा वो देखते हैं, साथ से मारेंगे। ये देखो चौधरी साहब हमारे दोनों, क्या हो गया है? हाँ ठीक लग रहा है, तो बुरा लग रहा। ओ कसर बनी है आप ही का। चलो मिलते हैं फिर शाम को।
वर्कआउट डन। अमेजिंग बैक एंड बाइसेप्स वर्कआउट। चार दिन के बाद वर्कआउट किया बेसिकली मैंने, दो दिन तीन दिन मेरी लगा लो टांग में दर्द था काफी, पता नहीं अचानक से हो रहा था, काफी दिन से होता मैं निगलेक्ट कर रहा था, बट एक दो दिन थोड़ा ज्यादा था, मैं चलो रेस्ट ले लेते हैं, रेस्ट लिया मैंने। मेरे ख्याल से बॉडी काफी फटीग हो गई थी क्योंकि फास्ट भी रखे थे मैंने, एंड उसके बाद फास्ट रखने के बाद मैं वर्कआउट कर रहा था, रनिंग कर रहा था, बैडमिंटन खेल रहा था, तो काफी फटीग हो गया था, मे बी उसकी वजह से हो रहा होगा। तो मैंने फिर दो दिन ना ही जिम गया, तीन दिन मतलब कल का दिन तो एक्चुअली भाई आ गया था तो उस चक्कर में कुछ, कल तो पूरे दिन ऐसे निकल गया बिजी, तो सैटरडे एंड फ्राइडे में पेन के चक्कर में जिम नहीं गया था। तो आज बाबिस क्या मजा आया वर्कआउट करके, अब चलते हैं घर। सो आयरन फ्रॉम फ्यूचर आ चुका है वापस। तो बेसिकली ये व्लॉग मैंने आज एडिट किया, काफ़ी ये पुराना व्लॉग है, ये मेरे हिसाब से ये ट्यूसडे का व्लॉग था, तो आज है संडे, तो बीच में मैं काफ़ी थोड़ा बिजी था, तो मैं पुराने व्लॉग्स भी मेरे पेंडिंग थे तो वो अपलोड कर रहा था, तो ये व्लॉग एडिट कर रहा था मैं, तो सोचा इसकी एंडिंग मैंने नहीं की थी तो एंडिंग कर लेता हूँ, साथ में आप लोगों से बात कर लेता हूँ, आप लोग मुझे बताओ कि ये क्लीन लुक कैसा लग रहा है मेरे ऊपर है। और अगर आप व्लॉग्स देखते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, यूट्यूब साथ नहीं देता है, आप लोग मदद करोगे तो थोड़ी रीच मिलेगी, क्योंकि मैं काफ़ी जैसे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप रेगुलर मेरे व्यूअर हो, अगर होता है मैं डेढ़ साल से ऊपर हो चुका मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो तो मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, वरना हम तो डालते ही रहेंगे वीडियोज़, सपोर्ट मिले ना मिले अब क्या करेंगे, मेहनत तो करनी है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बताओ ये लुक ठीक लग रहा है, ये चेंज करते रहूँगा वापस, अब दाढ़ी आएगी तो सोच रहा हूँ और बढ़ाऊँगा दाढ़ी। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप फॉलोइंग बैलेंस लाइफस्टाइल। एंड मैंने एक नया पेज स्टार्ट किया मैंने मेरे भाई ने मिलके, जो कि क्रिक फैंस है, क्रिकेट के लिए वो पेज है, अगर आप देखोगे तो प्लीज़ लाइक करना, मैं लिंक कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा उस चैनल का, अगर आप वो देखोगे, आप क्रिकेट के फैंस हो, क्रिकेट आप फॉलो करते हो, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो उस चैनल को, उस पर अपडेट्स आते रहेंगे क्रिकेट के रिलेटेड। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप फॉलोइंग बैलेंस लाइफस्टाइल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए गुड बाय, टेक केयर।